وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فان خير الامور عبازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها الغافلون. मेरे इस्लामी भाइयों बहनों छोटे बच्चों अल्लाह ताला का व करम है कि जुमे के इस खुतबे में हम शरीक हैं मैं जितने हमारे सामने बैठे हैं सबसे गुजारिश करूंगा। कि आप जुमे का खुतबा ग़ौर से सुने दिल के कानों से सुने इसलिए कि ये सवाब का काम है जुमे के दिन दोहर की चार रकात के बजाय दो रकात इसीलिए रह गई है कि आप जुमे का खुतबा सुने अगर कोई जुमे का ख़तबा आधा सोते आधा जागते सुनता है तो बेकार है आप जुमे का ख़तबा ग़ौर से सुने सूरे आराफ़ आया नंबर 179 मैंने आपके सामने तिलावत की जिसमें अल्लाह सुबहान तरमाते हैं वल़दर अली जहन्न मक़ी और الجن والانس, बहुत सारे जिनों और इंसानों को हमने इसीलिए पैदा किया है कि वो जहन्नम में जाए बहुत सारे जिनों और इंसानों को हमने इसीलिए पैदा किया है कि वो जहन्नम में जाएं। बहुत सारे इसका यह मतलब नहीं है कि उनको जहन्नम में जाने ही के लिए पैदा किया गया है बात ऐसी नहीं है आगे अल्लाह ने बताया लहुम कुलूब लोब लाफ कहू न अल्लाह ने उनके सीने में दिल दिए लेकिन उन दिलों से उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया उन दिलों से उन्होंने हकीकत को समझा नहीं सीधे रास्ते को जाना नहीं दिल थे ज़रूर लेकिन दिल का फ़ायदा नहीं उठाया लहुम क़लूबुल्लाफ कहू न बिहा बहुम आयुन से नीहा उनकी आँखें थीं उन आँखों से उन्होंने देखा नहीं ब लहुम अदानसमा बिहा उनके कान थे लेकिन उन कानों से उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया उलाई का कल अन आम ये लोग जानवरों की तरह है बल हम अवल ये जानवरों से भी बदतर है ये कुरान की जबान तर्जुमा मैं कर रहा हूं आप उठाकर पढ़ लीजिए आपको लगता है कि शेख साहब जरा सख्त बोलते हैं तो आप उठाकर एक मरतबा पढ़ लें कि कुरान आपसे क्या कहता है मैंने जो पढ़ा वही आप भी पढ़ेंगे उलाईका कल अन आम ये जानवर हैं बल हुम अवल जानवरों से भी बदतर है फिर आगे अल्लाह ने कहा यही लोग तो तोिल हैं यही लोग तो गाफ़िल हैं सूरत आरफ आंबर वन सेवेंटी नाइन बात कहने की कहने का मतलब ये था कि अल्लाह कह रहे हैं कि हमने उनको दिल सीने में दिल दिया आँखें दी कान दिए अगर वो हकीक़तें देखते तो गुनाह नहीं करते दोस्तों अजीजों माँ और बहनों आज जो कुछ हालात हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में चाहे वो फ़लस्तीन हो चाहे दूसरे हो, चाहे रंगून हो जिसे हम बर्मा कहते हैं या मुसलमान जहाँ जहाँ बहुत सारे ये तो पुराना नाम है आप नए नए नाम भी जानते हैं कहा कि जहाँ जहाँ मुसलमानों पर म इसत की बातें हो रही हैं और खुद इस मुल्क में जिसके लिए मुसलमान परेशान जितने मुसलमान यहाँ बैठे हैं पहली सब से लेकर आखिर तक सब को मालूम है कि यूसीसी कॉमन सिविल कोर्ट हमारे सर पर नंगी तलवार की तरह खड़ा है सब जानते हैं सब ने व्हाट्सएप में पढ़ लिया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब पढ़ते हैं सब मालूम है सारी चीजें मालूम जोश में आते हैं ऐसे उठ के ऐसे नीचे बढ़ जाते हैं अरे ये जोश किस काम का ये जोश किस काम का जो सिर्फ वक्ती जोश हो अगर कौमें अपने दीन पर कायम रहती हैं अगर कौमें अपने दीन पर जमी रहती हैं तो दुनिया की कोई ताकत उनके दीन को बदल नहीं सकती वह अपने दीन पर जमे रहते हैं वह अपने दीन से जुड़े रहते हैं दुनिया को हिम्मत नहीं होती कि वो उनका उनका कोई कानून बदले उनके कानून में रखना अंदाजी करे उनके कानून में दखल दे जैसे जैसे हम अपने दीन को छोड़ते जाते हैं लोगों की भी हिम्मतें होती हैं हमारे दिन में दखल अंदाजी करते हैं और ये कॉमन सिविल कोर्ट में सबसे ज्यादा जो हमारे माशरे में खुश होती हैं वो औरतें हैं औरतें खुश हैं मुसलमान औरतें खुश हैं कि भाई ये कोर्ट बन जाएगा तो मेरे भाई को प्रॉपर्टी में जितना शेयर मिलेगा मुझे भी उतना मिलेगा हालांकि ये औरतों को मुसलमान औरतों को समझाना चाहिए कि जैसे कुछ आप लोगों से कहा जाता है कि प्रॉपर्टी में बेटे को जितना हिस्सा मिलता है आधा हिस्सा बेटी को मिलता है बेटे को उसका आधा हिस्सा बेटी को मिलता है यह ख्याल गलत है कभी कभार प्रॉपर्टी में औरत मर्द से ज्यादा लेती है यह समझाना पड़ेगा ओलमा समझाएंगे कि कब कब औरत को मर्द से ज्यादा प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है लेकिन किसी ने समझाया नहीं ये गलत ख्याल औरत के दिल में बैठ गया कि मुझे हक़ तलफी होती है मुझे प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा नहीं मिलता है मेरी हक मेरा हक़ को मारा जाता है इस तरह की बातें औरतों के दिल दिमाग में बैठ गई तो ऐसी बात गलत है उलमा को समझाना चाहिए कितनी ऐसी हालतें हैं जबकि बसाओक़ात औरत को मर्द से ज़्यादा हिस्सा प्रॉपर्टी में मिलता है जबकि औरत को किसी के पालने की जिम्मेदारी नहीं मर्द को अपने माँ बाप को पालना पड़ता है उसकी बीवी को पालना पड़ता है बहुत सारे अखराजात मर्द के हैं औरत के तो कोई अखराजात नहीं हैं बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ये यूसी बन रहा है कि यहां यहां मुसलमान जुल्म कर रहे हैं इसको हम खत्म करेंगे जैसे उन्होंने कहा कि तलाक का मामला है तलाक के मामले में भी मुसलमानों ने ही किया सीधा साधा कुरान के मुताबिक तलाक दें तो कोई मसला ही नहीं तो फ़िक के हिसाब से उन्होंने तलाक़ को बदला अहसन तलाक ये है हसन तलाक़ ये है सुन्नी तलाक़ ये है ये सारी तलाक़ बला के नहीं क़ुरान जैसे तलाक बोलता है अगर आप ये इस्तेमाल करें तो कानून में बदल की जरूरत नहीं ग़ैर भी इस सिस्टम को इख्तियार करेंगे ये सारे सिस्टम बदलते क्यों हैं आपने फ़िक की मोशगाफियाँ निकाली जिसकी वजह से सिस्टम बदलना पड़ता है सिस्टम बदलना पड़ता है मैंने आपको कई बार समझाया था कि अजान देना है मोजन साहब यहाँ ठहरें अल्ला अकबर से अजान शुरू किया कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को तकलीफ नहीं आजा से पहले आप तीन बार दरुद पढ़ेंगे अजा के बाद फिर दरुद पढ़ेंगे फिर अजा देंगे तो आपकी अज़ा लंबी हो गई सारों को डिस्टर्ब होता है ये कौन से हदीस में है कौन से कुरान में है कि अज़ा से पहले आप दरुद पढ़ें मस्जिदों में दरुद होती कि नहीं होती है आपने सुना है अजा से पहले लोग दरुद पढ़ते हैं ये किसकी दलील है किस रसूल ने कहा है कौन सी हदीस में बहुत सारी चीजें हमने अपने बना ली हैं जो हमारी मुसीबत हम पर उतर रही है। और इसी तरह एक और खौफ जो मुसलमानों को खासकर मुसलमान खवतिन को लेडीज को आता है वो दूसरी शादी की इजाजत का है कि मर्द को कई शादियों की इजाजत है और औरत को ऐसी इजाजत नहीं है तो अगर ये कॉमन सिविल कोड बन जाता है तो ये इजाजत खत्म हो जाएगी सारे लोगों को मालूम है कि दुनिया में औरतों की तादाद ज्यादा है मर्दों की तादाद कम है शरीयत ने जब इजाजत दी है और अब्बुल आलमीन ने इजाजत दी है तो उसे पता है कि जो आबादी जो बढ़ेगी ऐसे ही बढ़ेगी अगर हर आदमी एक एक औरत से शादी करेगा तो बाकी जो औरतें बचेंगी वो कहाँ जाएंगी उनकी जिम्मेदारियां कौन लेगा उनकी जरूरतें पूरी कौन करेगा तो इस्लाम ने इजाज़त दी कि अगर आप फिजिकल फिट हैं अगर आपके पास माली इस्तात है अगर आप इंसाफ कर सकते हैं तो आप और एक शादी कर सकते हैं ये शुरूत के साथ इजाजत दी तो औरतों को जान लेना चाहिए कि ये इजाजत औरतों के लिए मुसीबत नहीं नमत है नाममत है जबकि एक औरत दूसरे औरत के दर्द को समझ सकती है उसे एहसास होना चाहिए कि इस्लाम के सारे कवानी अल्लाह ताला की नेमत है तो एहतजाज करने से पहले हमको इस्लामी कवानी लोगों को समझाना चाहिए देखो हमारे पास कैसे कैसे इस्लामी कवानी हैं इस्लाम कैसे कैसे बातों का हुक्म देता है कैसे कैसे हमें ऐसे उसूल और रहनुमा बताता है जिस पर अमल करके मुसलमान अमन वमान के साथ जी सकते हैं इसकी ज़रूरत है कि उलमा लोगों को बतलाएं कि इस्लामी कानून क्या है दोस्तों अजीजों माँ और बहनों सुरतुल्ला आरफ़ आया नंबर वन सेवनटी सिक्स जो मैंने आपके सामने तिलावत की जिसमें अल्लाह ताला ने कहा तह वी जहन नंस ये लोग वैसे हैं नहमुल्ला हमारे सीनों में जो दिल है ये दिल चाहता है कि इससे आप समझें नेक बातों को समझें अल्लाह सीने में आपका दिल दिया है वो दिल काम करता है ये काम होना चाहिए आप अगर कहते हैं कि मैं क्या क्या समझता हूँ कितनी अच्छी बातें करता हूँ है ज़रूर आपके दिल में पॉलिटिक्स पर बहुत सारी बातें होंगी लोगों को लड़ाने लोगों में फितना फसाद मचाने की बहुत सारी बातें आपके दिल में होंगी आपका दिल फिट है ऐसे सारे मामलों में आपका दिल फिट है कि किसको कैसे डुबाना किसको कैसे तड़पाना किसको कैसे सताना ये सारी प्लानिंग आपके दिल में पनपती है ठीक है लेकिन ये दिल का काम ये नहीं अल्लाह ने दिल इसलिए पैदा नहीं किया अल्लाह ने ये दिल इसलिए पैदा किया है कि इससे आप हिदायत का रास्ता ढूंढें, जन्नत को जाने का रास्ता ढूंढें आपके दिल में कौम की हमदर्दी हो आपके दिल में किसी तड़पते मुसलमान की मदद करने का जज्बा हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु असर ने फरमाया कि कोई मुसलमान परेशान है उस परेशान की कोई और मुसलमान मदद करता है तो अल्लाह कल हशर में उसकी मदद करेगा क्या आपके दिल में ऐसे ऐसे सारे ख्याल आते हैं अरे दुनिया में जब किसी का दिल ब्लॉकेज हो जाता है उसकी अंतड़ियों में ब्लॉकेज आ जाता है तो जिंदगी भर की पूंजी लुटा देता है कि ये ब्लॉकेज खत्म किया जाए जिंदा रहने के लिए आए दिले जिंदा तू ना मर जाए कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से दिल को जिंदा रखो अपने दिल को जिंदा रखो ये दिल की जिंदगी किसी औरत के मुआशे में नहीं है कितने ऐसे हैं कि किसी लड़की के पीछे पागल है अरे अल्लाह ने दिल तुझे इसलिए दिया था अरे कि किसी लड़की के पीछे तू पागल हो जाए हरगिज नहीं ये तो एक जरूरत है अरे उसके बगैर भी कोई जिंदा रहता है उसके बगैर भी कई लोगों ने ज़िंदगी बसर कर दिया औरत के बग़ैर भी अंबिया ने भी जिंदगी बसर कर दी शादी एक सुन्नत है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके पीछे घूमते रहो सो तो उसी को याद करके सुबह शाम पागल मजनून अल्लाह ने इसलिए तुम्हें दिल दिया है रे अल्लाह ताला ने दिल इसलिए दिया कि डूबती कौम के बारे में सोचो ये यतीम बच्चों के बारे में सोचो कि तुम क्या कर सकते हो इसी को लेकर हमारे अकाबरीन ने मुश्तरीन ने ने उससे पहले तब तब ने सा कराम ने अल्लाह के नबी नबीम के साथ जंगे की इस्लाम के गलबे के लिए कोशिश की पहली बात आपके समझ में आ गई कि दिल का असल काम इस्लाम की नशो नुमा इस्लाम के लिए गलबा अपनी कमजोर और सतवत दबदबा गलबे के तहत वो जो हमारी कौम आज तड़प रही है उस कौम को ऊपर लाने के बारे में सोचना ये आपके दिल का काम है तभी आपका मेरा दिल जिंदा है अ दिल जिंदा तू ना मर जाए अपने दिल को जिंदा रखो लहुम को लोबुल्लाफ बिहा हमने इनकी आंखें दी हैं लेकिन इन आंखों से ये देखते नहीं हैं अब अगर मैं कहूं अरे क्या बात है कुरान कहता है कि हम आँखों से देखते नहीं क्यों नहीं देखते मेरे तो चार आँख हैं ये दो अल्लाह ने दी हैं ये दो मैंने लगा ली हैं चार आँखों से हम दुनिया देखते हैं ये देखना मकसूद है असल देखना अलग है कुरान जिस देखने की बात कहता है वो देखना अलग है कोई इन आँखों से बेहयाई देखे बेशर्मी देखे अपने मोबाइल में आने वाले नंगे वीडियोस देखे बोला कि यही है नाली जहन्नम जिससे लोग जहन्नम में ले जाए जाएंगे इन आँखों का यह काम नहीं इन आँखों का यह काम है कि कुरानी आयत को देखो अहादीत मुबारक को देखो और तड़पते इंसानों को देख कर ये उनकी उनकी मदद करने का जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा हो वो तो इन आँखों के देखने का काम अलग है आंखों ने यहां तक कहा अगर कोई बेपर्दा औरत जा रही है तो तुम्हारी निगाहें नीची हो जाए आंख का काम देखना है लेकिन कभी न देखना इबादत है तब आप लहुम को लोबुल्लाफ कबी वहुम ऊन बिहा और तुम्हारे कान हैं इन कानों से ये सुनते नहीं अब अगर कोई पूछे कि क्या साहब हम तो सुनते हैं हमारे कानों में हमेशा वो और एक कान लगा रहता है हा? हम एक के बाद एक के बाद सुनते जाते हैं सामने वाला कभी तो हम सड़कों पर ऐसे चलते बातें करते जाते हैं तो कोई आदमी हमें समझता है कि पागल है पहले सड़क पर अपने से बात करने वाले को हम समझते थे कि पागल है जो बातें करता है अभी लोग कान में लगा के बातें करते जाते हैं हम बात करते हैं तो ऐसे कर ऐसे अच्छा हम समझ अच्छा ये किसी से महब गुफ्तु हैं ये अपने किसी से लगे हुए हैं लहुम कुलूब ऐसे लोगों को बात करने का टाइम ही नहीं अपनों से बात करने का टाइम ही नहीं है किसी की सुनने का इनके पास टाइम ही नहीं है बिहा। दोस्तों मेरे नौजवान साथियों अभी तो कश्ती डूब रही है इसको बचाने की जिम्मेदारी नौजवानों की है आपकी नौजवानियां अल्लाह की अमानत हैं अल्लाह तला के पास आप जवाब दे हैं गुनाहों से अपने आप को बचाओ एहसास करो एहसास करो तुम रोते हो कि हमारी बच्चियां गैरों के बगल में नाच रही हैं अगर हम ढंग के होते तो वो क्यों जाती अगर हम मेहनती होते कमाने वाले होते अच्छे अच्छे डिग्रियां लेते तो वो क्यों जाती अगर हम दसवीं क्लास में आठवीं क्लास में कॉलेज से स्कूल से बाहर आ जाती हैं मुसलमान बच्ची पढ़ते पढ़ते अच्छी डिग्री लेती है तो वहां तक पहुंचकर देखती है तो उसे हमारा कोई नजर नहीं आता सब ड्रॉप हो गए ड्रॉप आउट ड्रॉप आउट अगर हम मेहनती होते तो वो क्यों जाते जाने का सबब भी हम बने और वो मां बाप बने जिन्होंने सही तरबियत नहीं मैं तो इस बात पर यकीन रखता हूं कि ये रोना धोना छोड़े हमारे गुनाहों ने हमें डूब हमें डूबा दिया हमारी गुनाहों ने हमें डूब लिया ये तीन नेमतें जो अल्लाह की हैं लहुम कुलूब तुम्हारे सीनों के ये दिल तुम्हारी ये आंखें तुम्हारे ये कान इससे सही काम लेना सोचें कोशिश करें फिर ये जन्नत तुम्हारी है दुनिया की नेमतें आपकी और मेरी हैं ये जन्नत हमारी है मैं आपसे कहता हूं कि अगर जो जमात मेरी अब मस्जिद में अगर ये जमात फजर में हो जाए किसी को हमारे दीन में दखल अंदाजी की कोशिश होगी फजर में हम कहाँ चले जाते हैं जो लोग आते हैं मैं उनको नहीं बोलता जो लोग लो सो जाते हैं अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनकर जो लोग सो जाते हैं उनसे मैं मुखातब अरे यही अल्लाह अकबर बोल के तो हमने बकरा जवा किया था सारा बकरा खा गए थे वहीं अल्लाह अकबर तो अब हमारे इसाक साहब अल्लाह ताला उनको ज़ाये खैर दे वो माइक में भी बोलते हैं तो आप उस अल्लाह अकबर की इसमें सारा बकरा खा गए कि बकरा हलाल हो गया इस अल्लाह अकबर की आवाज में सो गए कि नींद आ गई ये कैसा मुश्किल काम है ये कैसी हमारी दोहरी पॉलिसी एक अल्लाह अकबर पर ऐसा हो दूसरे अल्लाह अकबर ऐसा हो इसी अल्लाह अकबर को लेकर बहर झुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने साहब कराम ने घोड़े दौड़ा दिए समरों में सेहराओं में दोस्तों अजीजों मेरे सामने बहुत बातें हैं लेकिन एहसास करने वालों के लिए दो बातें काफ़ी हैं अल्लाह की ये तीन न्यामतें हैं इसे सही तौर से आप इस्तेमाल करना सीखें मैंने दरअसल ये दो हदीसें मैंने आपके सामने लाई थी मैं अपनी बात कुछ नहीं कहूँगा उन्हीं बातों को कहूँगा जो अल्लाह के नबीसम के जबानी आपके खादम सोबान रजियाल्ला तु ने सुना सोबान रज़ी अल्लाह तन फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकवा नयोमल या तो नयो मल्कि अमताार जिबाली तिहामा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मुझे मालूम है मुझे मालूम है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे अल्लाह के पास कैसे आएंगे तिहामा के पहाड़ों के बराबर उनके पास में क्या होंगे तिहामा जैसे हमारे पास हिमालय माउंटेन है वैसे यमन के बॉर्डर सऊदी और यमन के बॉर्डर पर तिहामा की पहाड़ियां हैं सिलसिला है लंबा सिलसिला इतनी सारी नेकियां उनकी होंगी अल्लाह के पास आएंगे हबा अल्लाह ताला सारी नेकियों को धूल बनाकर उड़ा दें अल्लाह कितनी नेकियों करने में कितनी तकलीफ होती है फजर की नमाज को आने के लिए नींद से उठते हैं ठंडे पानी से वजू करते हैं फिर वहाँ से चल कर आते हैं और फिर लंबी नमाज़ जुमे की नमाज़ में सूर्य सजदा सूर्य दहर भी हो जाता है लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं ये एक नमाज की बात है सारी नेकियां अल्लाह धूल बनाकर उड़ा देंगे गिर्द बनाकर उड़ा देंगे तो क़ौबान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं उन्होंने कहा अय अल्लाह के नबी हम बताइए जैसे हदीस के अल्फाज हैं के कहा या रसूल अल्लाह सिर्फ हमलाना वजलाना अल्लाह के रसूल हमें बताइए कि वो कौन लोग हैं जरा तफसील से बताइए कहीं ऐसा नहनु ला, ला ना हो अल्लाह नकून आदम अल्लाह नकून अमिना आदम कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में हम भी उन जैसे हो जाए आप बताएंगे तो हम बास आ जाएंगे कहीं हमारी क्या अकार ना चली जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु नबील ने फरमाया अम इन हम अखबान कम अरे लो ये कोई बाहर के लोग नहीं होंगे ये तुम्हारे अपने भाई होंगे अपनों में से होंगे वमिन जिलदती कम ये तुम में से होंगे वया ख़ुद नमिन कम खुदो और रातों को वैसे ही तहज्द पढ़ेंगे जैसे तुम तहज्द पढ़ते हो ये नहीं कहा कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ेंगे नमाज पढ़ेंगे रोज़ा रखेंगे ज़क़ात देंगे रातों को तहजद पढ़ेंगे लेकिन क्या करेंगे इदा खल वाला किन्न हम अकवा लेकिन ये ऐसे लोग होंगे वाला किन्न हम अकवादा खलौ बहा इनके अंदर एक आदत होगी जब लोगों में ये लोग अपनी प्राइवेट लाइफ में जाएंगे प्राइवेसी में जाएंगे ज़रा अलग थलग जाएंगे तो अल्लाह की हरमतों का अल्लाह की हुरमतें अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया है उसे पामाल कर दें। दोस्तों आजीजों, आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आज अक्सर हम लोगों की हालत है लोगों के सामने नमाजी मुतकी परहेजगार पहली सफ में अल्लाह अल्लाह लेकिन जब मौका मिले किसी को ठकाने का तो ठका देते हैं मौका मिले किसी पर जुल्म करने का तो जुल्म कर देते हैं मौका मिले मोबाइल में कुछ देखने का इधर उधर देखने कोई देख नहीं रहा अच्छा चलो और मोबाइल में भी तो एक के बाद एक वीडियो आते रहते हैं हां क्या सिस्टम है और मोबाइल भी कैसा है पत्थर लेने वाले को पत्थर देता है फूल लेने वाले को फूल देता है एक अच्छा वीडियो आपने डाला अच्छे वीडियो देगा आपने एक गंदी वीडियो डाली अब गंदे पर गंदा नचाता रहता है यही ये, ये बात यही बात है के सारे अमाल अकार चले जाएंगे इसलिए कि खलवत में जैसे आप हैं जलवत में वैसे रहें जलवत में आप मुतकी हैं परहेजगार हैं लेकिन खलवत में गए तो शैतान ने आपको हथकंडे में फंसा लिया दोस्तों अजीजों खासकर मेरे छोटे बच्चों नौजवान साथियों भले माँ बाप देख ना रहे हो भले कोई उस्ताद देख नहीं रहा हो बड़ा भाई ना देख रहा हो बहन को भाई ना देख रहा हो उसके हाथ में फोन है और वो देख रही है देख रहा है और वो हराम चीज़ें हैं जिसे नहीं देखना चाहिए अल्लाह ने हराम किया यही वो आँखें हैं जिसके बारे में अल्लाह पूछेंगे किसी अंधे से पूछो नाबीना ना से पूछो कि आंखों आँखो की क्या कीमत होती है ये आँखें अल्लाह ने दी हैं वाखल इन तू जब ये लोग प्राइवेट में जाते हैं जब वो तन्हाई में जाते हैं तो हराम काम कर बैठते हैं। कोई देख नहीं रहा है कोई सुन नहीं रहा है अपना कोई देख नहीं रहा है तो पूरी आजादी है कि अल्लाह नहीं देख रहा अल्लाह की कुदरत को तुमने नहीं जाना अल्लाह ताला की अजमत को तुमने नहीं समझा वमा कदर अल्लाह कदरे अल्लाह की कदर व कीमत नहीं समझी अल्लाह सारे आमाल अकारत कर देंगे दोस्तों सौ अच्छी तरह ख्याल कर लें मुझे ज्यादा इस बारे में समझाने की जरूरत नहीं इसलिए कि आप सब इंटेलेक्चुअल बड़े लोग हैं समझदार लोग हैं आप लोग समझ सकते हैं कि आजकल मोबाइल आपको क्या क्या देता है कैसी खबासतें हैं कैसी गंदगियां हैं अलिया अच्छी तरह समझ लें एक मरतबा अच्छी तरह समझ लें आंखों से जो कुछ देखा जाता है वह बराहराश दिल में बैठ जाता है ये डस्टबिन है आप जैसे देखेंगे वो सीधे दिल में आके बैठ जाएगा निकलेगा नहीं बहुत मुश्किल होगा निकल जाना इसलिए देखे नहीं देखे नहीं आंखों की हिफाजत करें अगली हदीस में ही बात बताएगी नबी हो रत रज अल्लाह के नबी नबीसम ने फरमाया, नमल फरमायाफलिस अल्लाह के नबी नबीसम ने साहब कराम से पूछा देखो क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है तुमको मालूम है कि मुफलिस कौन है पूछा साहब कराम ने कहा कि अल्लाह के नबीसलम मुफलिस आप लोगों को मालूम है मुफलिस किसे कहते हैं कुछ लोगों को मालूम होगा कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा कि मुफलिस कौन है तो तो हमारा यहाँ दर्श होता है तो जुमे यहाँ हमारे जो दर्श में यादगार में हम लोग बताते हैं बच्चों को मुफलिस क्या है मग़रब के बाद से चालीस मिनट दर्श होता है आपके पास इल्म हासिल करने का शौक़ है तो आकर बैठिए देखिए दर्द सुनिए उसमें बताया जाता वहाँ बस यही हदीसें पढ़ाई जाती हैं यही हदीसें सुनाई जाती हैं कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सौसलम ने पूछा क्या तो न मलमफलिस मुफलिस किसे कहते हैं तो साहब कराम ने कहा कि अल्लाह के नबी मुफलिस फ़कीर वो है मल्ला मल्लाता जिसके पास ना दिरहम है ना मालो मता है। हम लोग मालो मता जैसे हम लोग बोलते हैं मालो मत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सौसलम फरमाया कि नहीं दुनिया का मुफलस अलग है आखिरत का मुफलिस अलग है इ अल मुफ़लिसमिन उम्मी यौमियामह क़ियामत के दिन की मफलिस का हाल सुनिए या अती बिसिन व्यायामिन व ज़क़़त ऐसा आदमी जो नमाजी है जो रोज़ेदार है जो ज़क़ात देने वाला है अल्लाह के पास आया है लेकिन एक तरफ उसके नमाजी भी है रोज़ेदार भी है ज़क़़त भी बहुत सारा दिया है लेकिन दूसरी तरफ क्या है विकमहादा किसी को उसने गाली दी है वहादा किसी पर झूठा इल्जाम लगाया है व अकलमाल किसी का माल गलत तरीके से खाया है वफा कदम अहादा किसी का खून बहाया है वहादा किसी को मारा है दोनों चीजें उसके पास एक रोजा भी है नमाज भी है जक़ात भी है इधर ये सारी चीज़ें अल्लाह क्या करेंगे ये सारे आमाल लेकर उन लोगों को दे देंगे जिसको इसने गालियाँ दी जिसको इसने इल्ज़ाम लगाया जिसको इस जिनका माल इसने खाया सारी चीज़ें दे देंगे सारी झोली ख़त्म अब झोली में ना नमाज है ना Zakat है ना रोज़ा है और सारे आमान उन लोगों को दे दिए गए जिनको इसने मारा था इल्जाम लगाया था फिर भी जर्रे लोग बाकी हैं अब उनको क्या देंगे उनके गुना उठाकर इसके सर पे डाल देंगे अल्लाह अल्लाह क्या क्या न्यामतें लेकर अल्लाह के पास गए थे नमाज ले गए थे रोजा ले गए थे जकत ले गए थे सारी चीजें खत्म हो गई जो गुना हमने नहीं किए हमारे उन लोगों ने किए जिनको हमने मारा जुल्म किया गालियां दी उनके सारे गुना हमारे सर पड़ गए तो अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों अजीजों मेरे माँ और बहनों मैं आपसे कहता हूँ भले किसी ने आप पर जुल्म किया हो आप उसे कुछ नहीं बोले अल्लाह के हवाले कर अल्लाह जब हिसाब लेंगे तो पक्का लेंगे हम अगर हम हिसाब लेंगे तो हो सकता है कमी बेशी हो सकती है ये दो हदीसें मुझे आपके सामने बयान करनी थी एक बात सिर्फ पाँच मिनट मुझे आपसे लेनी है एक ख़ास बात मुझे आपसे करनी है अल्लाह <स्थाथ> ताला कुरान मजीद में कहते हैं व अन जिद्ला मस्जिदें अल्लाह का घर है फ़ला तदरों में अल्लाह ताला अल्लाह कहा कि मस्जिदों में सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाए कोई दूसरी बात न की जाए आज हम लोग मस्जिदों की हरमती मस्जिदों की जो हरमत है जो इज्जत है उसे पामाल करने पे तुले हैं चाहे मैं चाहे आप दुनिया की बातें हमारी मस्जिदों में होती हमारे फ़ोनों पे यहाँ गुफ्तगु होती है अल्लाह ताला ने कहा इन नमाय अमोर अल्लाह मस्जिदों को आबाद वही लोग करते हैं जो साहिब मोमिन हो साहब ईमान हों तो मस्जिदें ये अल्लाह ताली की बहुत बड़ी नियामत हैं जहाँ हम लोग आकर परिशानियाँ झुकाते हैं सजदा करते हैं इस मस्जिद की इज्जत की हिफाजत सारे लोगों पर है अगर किसी को आप फोन पर बात करता हुआ देखें किसी को डिस्कस करता हुआ देखें जो जरूरी बात नहीं है जो मस्जिद से मुतालिक नहीं आप बोले भाई बाहर जाइए हर एक को यह हक आप उसे बोले बाहर जाइए भाई मुझे डिस्टर्ब होता है मैं अल्लाह से मुनाजात करने बैठा हूं पहले ज़माने में जो मस्जिदें थी अल्लाह के रसूल के ज़माने में वो ओपन रहती थी वो सिस्टम अलग था अब के ज़माने का सिस्टम अलग है अब मस्जिद का एक खादिम है मस्जिद के मौजिन हैं मस्जिद के इमाम हैं मस्जिद का एक टाइमिंग है मस्जिद के दरवाजे हैं मस्जिद के गेट हैं जो जब चाहे आ नहीं सकता जा नहीं सकता ऐसा सिस्टम क्यों है सिक्योरिटी के लिए इसलिए कि मस्जिद में सफाई भी होती है ऐसा नहीं होगा कि हम हमेशा खुला रखें जो चाहे जब चाहे आए बैठ जाए उसके लिए खादिम चाहिए दस खादिम चाहिए आपके पास पैसा है आप पैसा लगाइए मस्जिद वाले पांच नौकर रखेंगे विथन सेकंड जैसे हरम में पाकी सफाई होती है मताफ में पांच मिनट में पूरा मताफ क्लीन हो जाता है वो मताफ क्लीन कर देंगे मस्जिद खोल देंगे आप आ जाइए बैठ जाइए अल्लाह अल्लाह की थी एक इंसान इतनी बड़ी मस्जिद उसे सफाई करने में कितनी देर लगती है अब आप बोले नहीं मस्जिद हमेशा खुला रखो हम अल्लाह अल्लाह करेंगे नहीं हो सकता आप पैसा लगाइए पांच पांच कादिम रखिए दस दस नौकर रखिए शिफ्ट शिफ्ट रखिए कि लोग हिफाजत करते रहेंगे मस्जिद खुली रहेगी कोई बात नहीं तो अब मस्जिदों का सिस्टम बदल चुका है उसी सिस्टम पर लोगों को चलना जब मस्जिद खुलती है आइए अल्लाह की इबादत कीजिए अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारी इबादतें आप मस्जिद ही में करें मस्जिद सिर्फ फर्श नमाज के लिए जिक्र असकार है सुन्नतें हैं नफिल है अपने घर में पढ़िए अपने घर में भी बरकत का सबब बनिए घर में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत कीजिए रहा जुमे के दिन जुमे के दिन आदमी थोड़ा पहले आ जा सकता है लेकिन बहुत निगहदाश हिफाजती एतबार से हिफाजती इकदाम पर जो टाइम है उसी टाइम पर मस्जिद खोली जा सकती है उससे पहले नहीं खोली जा सकती इसलिए कि सिर्फ एक औरत के लिए एक मर्द के लिए ऐसे मस्जिद खोली नहीं जा सकती जो टाइमिंग है उसी टाइम में खोली जा सकती एक और चीजा ने इस बात को मना किया है कि मस्जिद में एक मरतबा इमाम रातिब नमाज पढ़ा देता है इमाम रातिब कहते हैं वो इमाम जो मस्जिद की कमेटी की तरफ से मुतन है इमाम रातिब अगर नमाज पढ़ा देते हैं तो और एक जमात बनाने की इजाजत नहीं और एक जमात बनाने की इजाजत नहीं क्यों अब अगर कोई पूछता ऐसा क्यों है तो उसका जवाब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद लोगों में जब फितना शुरू हुआ तो लोगों में अलग अलग ग्रुप बन गए ये ग्रुप ने कहा मैं इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता अच्छा क्या करना नमाज हो गए एक दस मिनट के बाद हमें जाकर और एक जमात बना को हमें नमाज पढ़ेगी तो ये फितनों को हवा देना इसलिए मना कर दिया गया कि मस्जिद में एक बार जमा जमात हो जाती है तो और एक जमात की इजाजत नहीं है Rare, बहुत इमरजेंसी में किसी की नमाज छोड़ गई रोड की मस्जिद है कभी कुछ लोग आ गए आ, या किसी यहां फंक्शन में आ गए नमाज नहीं पढ़े तो वैसे लोग नमाज पढ़ सकते हैं जो राहगीर हों जो गुजरने वाले हों जो बाजू इधर उधर रहते हों हर दिन नई जमात बना के नमाज पढ़ने की कोशिश करें इसकी इजाजत नहीं इसकी इसकी परमिशन नहीं ताकि लोगों में इतिहाद कायम उल्फत कायम रहे मोहब्बत कायम रहे एक इमाम के पीछे सारे लोग नमाज पढ़ें लोगों में एक जहती साबित हो इसका खास ख्याल रखें शेखन रहम्ला ने यही बात कही है ताकि लोगों में इख्तिलाफ ना हो इसीलिए आप देखेंगे मुझे याद पड़ता है वहाँ आंध्र प्रदेश के एक गाँव गुंटूर में हमने देखा कि असर के बाद और एक जमात हो रही थी तो वो मस्जिद के लोग आए इमाम को पकड़े उठा के हौस में डालने बला के हमारी मस्जिद में दूसरी जमात बनाने की इजाजत नहीं ये तो हम नहीं कर सकते हम सिर्फ बोल सकते हैं कि ऐसा न करें कि भाई ये चीज गलत है कब कर सकते हैं एमरजेंसी एमरजेंसी में बहुत कम कि अगर कोई आ गए तो ऐसे कर सकते और एक चीज जो मुझे बतानी है कि मस्जिद अदीन अल्लाह अंतुर फाफीहा ये मस्जिद ऐसे हैं जिसमें कुरान मजीद की तिलावत हो अल्लाह का जिक्र हो मस्जिद ये गेस्ट हाउस नहीं है रेस्ट हाउस नहीं है कि आप आए यहां सोते रहे कितने ऐसे लोग हैं बाहर सोते रहते हैं अजान हो जाए तो फौरन के बाहर चले जाते हैं भी है अरे ये कोई आराम का है मस्जिद कोई आराम करने की जगह है आप अजा हो तो वजू बना के अंदर आओ बोलो अजा सुन के बाहर जाते हैं क्या मोदन ने इसलिए आजा दी कि आप अजा सुन के बाहर चले जाए तो याद रख लेना चाहिए ये अल्लाह की नियामतें हैं इन न्यामतों को हम वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे यूज़ करना चाहिए मस्जिदें अल्लाह का घर है यहाँ की बिजली यहाँ का करंट यहाँ का फ़ैन यहाँ की सारी सारी चीज़ें अल्लाह की अमानत हैं इस अमानत के ताल्लुक से अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे इसे आबाद रखें इसे आबाद रखने की जिम्मेदारी हम सब की और इस मस्जिद में बेकार लगो बातें हरगिज़ ना करें कि ऐसा ना हो कि मैं बातें कर रहा हूँ मेरे करीब में कोई मुनाजात कर रहा है अल्लाह से गिड़गड़ा कर दुआएं कर रहा है उसका सर सजदे में है और मैं दुनिया की बातें कर रहा हूँ मेरी बातें उसे डिस्टर्ब कर रही हैं तो कल अल्लाह के पास उसका जवाब भी मुझे देना पड़ेगा अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसके घर की हिफाजत करने उसके घर को आबाद रखने उसके घरों को लाहोलाभ शहब से बचाने की अल्लाह ताला मुझे और आपको तोफीक दे अलामीन उम्मत के जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं नौजवान मर्द और औरतें और जितने इंसान यहाँ बैठे हैं जितने लोग हमारी आवाज़ सुनेंगे या अल्लाह हम सबको खलवत के गुनाहों से बचा ले तन्हाइयों के गुनाहों से बचा ले या अल्लाह हमारे दिल हमारे आँखें हमारे कानों को सिर्फ और सिर्फ हिदायत के रास्ते में लगाने ईमान की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करने की तोफ़ी नसीब फरमा या लाला दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं उनके परेशानियों को दूर फरमा या अल्लाह मुसलमानों को गलबा अता फरमा या अल्लाह जो मुसलमान परेशान हैं कर्जदार हैं कर्ज़ों के शिकंजे में जिगड़े हुए हैं या अल्लाह तो गैब के ख़जाने से तेरे ख़जाने से उनको अता फरमा या अल्लाह तेरे खजाने बहुत बड़े हैं ज़मीन आसमान के ख़जानों का तू मालिक है या अल्लाह किसी मुसलमान को किसी का मोहताज न रख सिवाए तेरे सिवाए तेरे के सारे तेरे मोहताज हों तेरे सर पर तेरे दर पर सर झुकाएँ या अल्लाह तेरे हाथ तेरे सामने हाथ जोड़ें या अल्लाह हम सब को तेरा 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 सुवाली बना दे या अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाय कुल्ली आता फ़रमा शिफाय आजिला आता फ़रमा या अल्लाह जो मुसलमान ला बलद हैं या उन्हीं उन्हींद की नमतों से मालामाल फरमा दे या अल्लाह हम में जो नौजवान बच्चे जो जो जोड़ों की तलाश में हैं उन्हीं अच्छी औरतें पाक दामन आफीफा औरतें अता फ़रमा या अल्लाह जो लड़ लड़कियाँ जोड़े की तलाश में हैं उन्हीं मेहनती ईमानदार मर्दों के जोड़े अता फरमा या अला तू हर चीज़ कर सकता है सारे काम तेरे लिए आसान हैं तू ही हमारे लिए काफी है या अल्लाह सब की मदद आता फरमा मदद फरमा आमीन सरकुल्लाहुल अलीुल अदीम वनफानि वियाहु मिलायत व हकीम इन्हू तगारा जोआबुल मलिकुल करीम व रहीम